ताकत लगा देंगे संगठन को मजबूत करना और बेहतर झारखंड बनाना। पार्टी नेताओं का सहयोग से, तेलंगाना के जनता के आशीर्वाद से जरूर पार्टी जो लीडरशिप जो जिम्मेदारी दिया है वो जिम्मेदारी नहीं, वो तो जरूर होगा, बाद में भी बताएंगे आपको। अरे वो तो कहना ही उनका काम है, तो अपोजिशन क्यों नहीं बनेंगे वो लोग। अब हमारे पास 117 का लक्ष्य है, 117 की 17 के ऊपर बीजेपी अपना बेस बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 यानी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब पूरी तरह चुनावी मुद्रा में आ गई है। सत्ता और संगठन में बहुप्रतीक्षित फेरबदल की शुरुआत करते हुए भाजपा ने मंगलवार को 4 राज्यों झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब में नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। बाबूलाल मरांडी को झारखंड, जी किशन रेड्डी को तेलंगाना, डी पुरुंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, सुनील कुमार जाखड़ को पंजाब का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी स्थानीय सियासी समीकरणों को हर तरह से समझने में जुट गई है। भाजपा नेतृत्व एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराकर राज्यों के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहा है। पार्टी नेतृत्व ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों से संबंधित राज्यों की ताजा रिपोर्ट तलब की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 7 जुलाई को सभी प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों और महामंत्रियों की बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 7 जुलाई को होने वाली बैठक में राज्यों के सियासी समीकरणों पर चर्चा होगी। पार्टी नेतृत्व का ये मानना है कि हर राज्य के जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण अलग अलग होते हैं, हर राज्य के चुनावी मुद्दे भी अलग होते हैं। ऐसे में स्थानीय आबादी को कनेक्ट करने वाली विशेष रणनीति पर अमल जरूरी है। जनता के प्रभावी मुद्दों को समझने के लिए पार्टी कई तरह के सर्वे का सहारा ले रही है। कहीं एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं संगठन पदाधिकारियों को मोर्चे पर लगाया गया है। भाजपा में हुए बदलाव के सियासी मायने को समझने की कोशिश करें तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को संगठन मामलों का अनुभवी नेता माना जाता है। 1977 में एक जमीनी कार्यकर्ता से सफर शुरू कर वो भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और इससे पूर्व 2010 से लेकर 2014 तक तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। लंबे अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें प्रदेश संगठन में भेजने का निर्णय लिया। नड्डा की टीम में राष्ट्रीय महासचिव डी पुरुंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर भाजपा नेतृत्व ने बड़ा भरोसा जताया है। मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी पुरुंदेश्वरी 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थीं। आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी होने के नाते पुरुंदेश्वरी के पास राजनीतिक विरासत भी है। भाजपा को 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासियों की नाराजगी के कारण सत्ता गंवानी पड़ी थी। इससे सबक लेते हुए भाजपा ने राज्य के बड़े आदिवासी चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। कभी भाजपा से नाराज होकर अलग पार्टी बनाने वाले मरांडी ने अमित शाह के प्रस्ताव पर 2019 में अपने दल का भाजपा में विलय किया था। पंजाब में अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा के पास राज्य में जनाधार बढ़ाने की चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस से पार्टी में शामिल होने वाले सुनील जाखड़ को पार्टी की कमान सौंपकर भाजपा ने बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है। पूर्व मंत्री बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जी किशन रेड्डी को वापस संगठन में भेजते हुए तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है तो नड्डा की टीम में राष्ट्रीय महासचिव रही डी पुरुंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। इस फैसले से मोदी कैबिनेट और जेपी नड्डा की टीम में खाली हुए पदों पर अब नई नियुक्तियां होंगी। तेलंगाना में इस साल तो आंध्र प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव हैं। पत्रिका टीवी के लिए दिल्ली से नवनीत मिश्र की रिपोर्ट।